ऑल राइट, हे गाइस, व्हाट्सअप एवरीबॉडी, आप सबका वेलकम है मेरे इस ट्यूटोरियल में। और आज मैंने ये फ़ोटो क्रिएट कर रखी है और इंस्टाग्राम पे डाली है, और आप सबने बहुत अच्छा और प्यारा सपोर्ट दिया है इस फ़ोटो को, जैसे आप पहले मेरी पोस्ट को करते रहते हैं। सो थैंक यू गाइस। और मेरे जल्दी से 10K फॉलोवर्स होने वाले हैं, तो उसके लिए स्पेशल वीडियो भी रेडी हो रही है जो आप सबके सामने बिल्कुल जल्दी आ जाएगी। और जैसे ही 10K हो जाएगी तो मैं ज़रूर डालूंगा, और लाइक इंस्पिरेशनल वीडियो रहेगी हर एडिटर के लिए जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरे से। आज का जो ट्यूटोरियल है ये इंग्लिश में भी होने वाला है। सो आई एम थिंकिंग दैट टुडेज़ ट्यूटोरियल विल बी ओनली इन इंग्लिश बिकॉज देयर आर मैनी फैंस लाइक कैलॉप ऑफ कैलॉप, सो दे नीड टू अंडरस्टैंड लिटल बिट ऑफ इंग्लिश। सो खराब हो इंग्लिश तो कोई वो नहीं करना, हंसना वसना नहीं है, कोई कहीं डाले यार अच्छी नहीं आपकी इंग्लिश ये वो, मैनेज कर लो यार थोड़ा, क्योंकि ये रिक्वेस्टेड बहुत ट्यूटोरियल है और इंग्लिश बंदे हर कोई मांग भी रहे हैं, तो आप समझते हो थोड़ा सा। सो वी आर गेटिंग लेट्स स्टार्टेड विद द ट्यूटोरियल। सो लेट्स कनेक्ट माई पेन टैबलेट। ओके, इट्स कनेक्टेड। आई हैव डेको O3 पेन टैबलेट फॉर ड्राइंग्स एंड जस्ट क्रिएटिंग रिम लाइट्स, एंड इफ यू वॉन्ट टू ड्रॉ रिम लाइट्स यू कैन वॉच माई ट्यूटोरियल ऑन द चैनल, देयर इज़ अ रिम लाइट ट्यूटोरियल, सो इट विल बी वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन मेक दीज लाइन्स एंड दीज, एंड आई विल टेल इन डिटेल इन दिस ट्यूटोरियल। एंड इफ यू वॉन्ट टू डाउनलोड दिस आई मिस यू टेक्स्ट लाइक PNG, यू कैन गो बिलो इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू देयर यू विल फाइंड लिंक ऑफ टेलीग्राम इन विच यू वैन यू क्लिक यू विल ज्वाइन अ ग्रुप, और इन ओपनिंग बाय इन सफारी और लाइक क्रोम यू विल गेट टू द टेलीग्राम ग्रुप ईजली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू द ट्यूटोरियल। सो दिस फोटो टुक मी अराउंड 3 to 4 hours टू बी क्रिएटेड, एंड आई एम गोइंग बाई स्टेप बाई स्टेप एंड नॉट जस्ट मेकिंग होल फोटो, आई विल बी क्रिएटिंग दिस पार्ट। दिस पार्ट कवर्स रिम लाइट एंड ग्लोइंग पार्ट, सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग हाउ कैन यू गेट दिस ग्लो ईजली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू जस्ट स्विच टर्न ऑन माई लेयर लाइक ह्यू एंड सेचुरेशन इन विच आई डिड नथिंग, इट्स अ जस्ट लेयर, बट हेयर इट्स अ नोटिसिंग लाइक योर इमेजेस गेट ओवर सेचुरेटेड व्हेन देन, सो यू कैन टर्न द स्लाइडर डाउन एंड मेक इट लेस सेचुरेटेड, सो लाइक दिस इट विल बी मोर इफेक्टिव एंड फेडेड टाइप कलर इफ यू लाइक, otherwise living like this also is not a big issue. So after that I applied a glow, so you can see all over my face and body and just hair in the fur like you are seeing some glow part. So how to get this glow, you have to just make a layer and just turn the blending mode to overlay easy, then click on this brush icon and easily just head over down to white color and hit OK, and where you want like a glow there you have to paint just with low feather brush, and this is soft round brush with hardness 0, and you can find these brush in here like just by restoring to default brush, these brush will occur in your Photoshop. So I'm just painting over the highlights like here. So now it is too much. So I will be going to flow and put it around 4 to 5%, and this will be fine with me. And I have to just slowly, slowly paint over where there are highlights to make like the glow very effective in my photos. So I'm just going slowly, slowly. You can just increase the video rate by just for making speed up like 2x,
if you hate this part, like doing, I hate this part very much, because recreating photo is just like incredible. So you can see here that I have created some glow in just a short bit of time, and like the same way you can create all over the body. Okay, easy. You can see here and here. So like you have created this, you have to just go through all over the body to just created this type of glow. After that, I have this text PNG, which will I including in that below download link, so you can easily download this text and very fastly, no need to just go through ads or something. After that, I have applied a color lookup. This is just here, like this color lookup. You have to just click and just go down to night from day and cube, and you will just load up. And after that loading, you have to just turn down the opacity, because having this much opacity will create more darkness. If you need more darkness, then you can go with it, or you can mask it like this. Where I have needed like this, I want this, so I have just painted over there like this, this, this. So you can see the difference of masking here. After that, I have created the rim light. So to create rim light, I will be explaining how to create these rim lights. These rim lights, like you can notice here, 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 here. So you have to just get a new layer and just sample a color, and after that just move it all towards upward, and just move your brush down to like 27 or 30 radius diameter, and after that just paint like you did with the overlay. And after that, increase the flow rate and just turn down the diameter, so you will be getting a good strokes, like with the tablet or with a pen, like mouse, you can draw it by this tool, pen tool. In the rim light tutorial, I have explained about this also, how to draw rim light with mouse. And it is easy, you can refer there also. So you can see here that I have drawn the rim light like this in a very little bit of time. And same as here, you can do by just lowering the diameter. Just painting like this. Okay, you got it. Easy. After that, I have just sampled out my color. Stamped out my all layers. After that, I have applied some LUTs on it, which I already put in the Telegram group, like a Kellen's Cloud. You will get the name. And there is the preset you can download and just open up in the Photoshop and you will get the same effect. After that, I have applied some curves to just make this text readable, because previously it was not readable and it was just blown out, I will say, with whites. After that, I have applied my logo and a simple text box outside it.
I will be sharing this text box with you. After that, I made a sample and used color FX tool, which is from Google. Where this is Nick collection, which I used here. And after that, I have applied. Just click on this auto, and it will auto detect whatever it brightness or contrast. After that, you can manipulate to get your best results. And after that, I applied a second layer of curve like this down, because I have to just create hair glow, not there. So I just mask out it. You can see there. And after that, I stamp, and my photo is completed now. And hope you have learned from this tutorial very much. And अब हिंदी में बोलता हूँ, आप सब को इतना टाइम झेलना पड़ा, अगर आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत समझ में आती है नहीं आती है, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट डाउन करें. यह हर किसी के लिए बनाना था मुझे, इसलिए मैंने इंग्लिश प्रेफर करी, और मेरी इंग्लिश इतनी भी अच्छी नहीं है. सो डे बाई डे ज़रूर इम्प्रूव करूँगा मैं, और नए ट्यूटोरियल ज़रूर क्रिएट करूँगा. और डिस्क्रिप्शन डाउन में लिंक है, जो आप इजली टेलीग्राम से ये PNGs निकाल सकते हैं जो आपको चाहिए. सो थैंक यू गाइज, और चैनल को जरूर सपोर्ट.